बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? क्लास का आगाज़ बेटे दुरूद पाक से करेंगे। हाँ जी बेटा जी, बेटे मैं आपको आंसर देता हूँ इसका, अभी बात करने लगे हम इसकी। सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमारा लेक्चर नंबर जो है कौन सा भाई, याद रखना आप लोगों ने, लेक्चर नंबर बेटा जी 4 चल रहा है। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो? ऊंचा बोला करो यार, QM। अच्छा मुझे ये बताइए कि कल हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, कि बच्चा एलैबोरेट करेगा? सिर्फ मेरे ख्याल से 2-3 पढ़े थे और उनके बारे में जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर उससे रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करवाने हैं, और फिर आज का जो मेजर टॉपिक है कॉस्ट बिहेवियर, आज हमने साथ वो भी शुरू करना है, ठीक है? और कोशिश करेंगे कि आज उसके सारे फार्मूलाज पढ़ के उनको डिटेल डिस्कस करके साथ ही हम उसके कुछ क्वेश्चन भी करें, ठीक हो गया बेटे? तो मुझे ये बताइएगा कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था जी, आप बताएंगे, आप नाम क्या है जी, बताएं, शाबाश। कल कौन सा टॉपिक बेटे पढ़ा था सबसे पहले? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। जी बेटा जी, क्या बताया था आपको इसके बारे में कि दो लाइंस जो हैं उन हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर है जी। अब आपको ये देखिए, ये इसने अच्छी बात की है कि जिन दो लाइंस के दरमियान 90 डिग्री होगा, आप सपोज कर लेते हैं वो सिर्फ आपको इक्वेशंस की फॉर्म में लाइंस दे देता है, आपको ग्राफ नहीं देता। आपके सामने अगर ग्राफ बना हुआ है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, फिर तो आप इजीली जज कर लोगे कि भाई ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, बात तो खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पर बात यह हो रही है कि अगर आपको दो लाइंस दे दी जाए लाइक 2x + y = 5 इस तरह, तो फिर आप लोग कैसे जज करेंगे कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं? तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका उसके बारे में बताओ, शाबाश। डेफिनेटली बेटे, हम उन दोनों की क्या करेंगे, स्लोप्स फाइंड करेंगे, और अगर उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये बात बेटे क्लियर हो गई? उसके बाद आपने मैं ये दो ही बताऊंगा, पैरेलल का और परपेंडिकुलर का, क्योंकि हमने इनके ही क्वेश्चंस करने हैं जी। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस हमने कल बेटे ये भी डिफाइन किया था कि पैरेलल लाइन से क्या मुराद है, क्या मतलब होता है जब हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कोई बच्चा एलैबोरेट करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी लाइंस बेटे जो किसी भी पॉइंट में जाके आपस में ना मिले, ठीक है? तो इनकी स्लोप्स के बारे में क्या ख्याल है आपका कि दो लाइंस को आप कैसे जज करोगे कि वो दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं? तो बेटे पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनकी स्लोप जो होती है वो हमेशा क्या आती है, इक्वल आती है, बराबर आती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि दो लाइंस की स्लोप जो है वो इस तरह हम लिख सकते हैं अगर वो दोनों पैरेलल हैं? कह सकते हैं ना। और उसके बाद बेटे आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, वो मैं आपको वर्बली बता देता हूं कि अगर आप सेम इंटरसेप्ट की स्लोप निकालें तो वो क्या आती है। फिर आप लोगों ने कल ही ये डिफरेंस भी किया था कि परपेंडिकुलर लाइन और स्लोप जो सेम इंटरसेप्ट की होती है उन दोनों में क्या फर्क है जी, बताएगा कोई बच्चा? आप बताओ भी, क्या नाम है आपका? रियाज, इलियास। हाँ जी बताओ, शाबाश। कि परपेंडिकुलर लाइंस की बेटे जो स्लोप होती है और जो सेम इंटरसेप्ट की स्लोप होती है दोनों में बेटे क्या फर्क है? देखिए
हाँ जी आप एक में प्रोडक्ट है और एक में एडिशन बस इतनी सी बात है, एक में तो आप लोग दो दो स्लोप्स का प्रोडक्ट ले रहे हो ना, एक में तो वो आती है अकेली स्लोप ही माइनस वन की इक्वल आ रही होती है, लेकिन हमने बेटे ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं जो क्वेश्चन अभी हम लोग करने लगे हैं। आइए ज़रा क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने बेटे कहा था कि सर कैलकुलेटर का दोबारा बता दें, तो अभी इस क्वेश्चन के बीच वो सारा कॉन्सेप्ट आएगा, इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे इसको। जी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन आज के लिए। जी बेटा जी स्टेटमेंट देखिए हमारे पास क्या लिखी हुई है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आगे उसने बेटे लीनियर इक्वेशंस दो दी हैं, 5x + 2y इज इक्वल टू 44 एंड 3x - y इज इक्वल टू 22 एंड परपेंडिकुलर टू एंड परपेंडिकुलर टू 9x - y - 5 इज इक्वल टू 0। हाँ जी क्वेश्चन बेटे आप सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब ज़रा तवज्जो चाहिए बेटे, सबसे पहला पॉइंट देखे बेटे, उसने क्या बताया कि आपने एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। क्या करना है आपने? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। आप लोगों ने कितनी टाइप्स की इक्वेशन पढ़ी थी अगर बेटे आप लोगों को याद हो तो? हमने तीन किस्म की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, ठीक है। सबसे पहली कौन सी पढ़ी थी भला, जरा बोलिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटे? किसके इक्वल होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नंबर टू पे कौन सी पढ़ी थी? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है बेटा जी, बोले शाबाश। नंबर थ्री पे, नंबर थ्री पे आपने कौन सी पढ़ी थी आप बताओगे? सारी दुनिया बेटा जी बोल रही है और आप ऐसे बैठे हुए जैसे वलीमे पे आए हुए, क्या होगा? कोई परेशानी है? किसी ने कुछ कहा बताओ, अगर किसी ने कुछ कहा तो अभी उसका इलाज कर देता हूँ। हैं, खुद ही कर लोगे तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? बोलता क्यों नहीं? बोल शाबाश। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? बेटे देखें, हमसायों के हकूक फ़र्ज़ हैं, ज़रूर फ़र्ज़ हैं, और आपको चाहिए कि अपनी रियल लाइफ में अपने हमसायों का ख्याल रखें। लेकिन मेरा पुत्र क्लास में, क्लास में आपने हमसायों की कोई हेल्प नहीं करनी, अगर टीचर उससे पूछ रहा है तो उसको बताने दें आप। जी जी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप मुझे जल्दी से ये बताएंगे कि ए क्या होता है और बी क्या होता है? करशी जामे श्री की जो बोतल है उसमें से बेटे आज एक गिलास मैं आपको पिलाऊंगा, भाई नाम ही नाम होता है, ठीक हो गया जी। आ जी बस भाई, वापस वापस बैक टू पोजीशन। आप मुझे ये बताइए क्या कह रहा है वो आगे, पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे दो लाइंस जो हैं वो आपस में क्या कर रही होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, एक दूसरे को कट कर रही होती हैं। बेटे उस पॉइंट को आप क्या कहते हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। वो कह रहा है कि जो इक्वेशन बेटे आपने फाइंड करनी है, तवज्जो कीजिएगा जरा, जो इक्वेशन आपने फाइंड करनी है वो पास कहां से कर रही है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किन दो दो लीनियर इक्वेशन का? बोलिए जरा, लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी है? 5x +
टू वाई इज इक्वल टू 44, उसके बाद क्या कह रहा बेटा जी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ठीक है, उसने कहा कि जो बेटे आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, जो इक्वेशन आपने फाइंड करनी है वो किस किन दो लीनियर इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है, इन दोनों के। अच्छा जी, अब आगे देखें बेटे आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है एंड परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है, कौन जो आपने फाइंड करनी है। आप जरा गौर कीजिए, आपको डाटा सिर्फ मैंने बना के देना, फाइंड करना आपको आता है, लेकिन हम ये क्वेश्चन पूरा करेंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपको दूंगा वो पूरा आप मुझे अभी करके दिखाएंगे, कॉपियां पेंसिलें हर चीज रेडी रहनी चाहिए आपकी। बेटा ये देखिए, सबसे पहले उसने कहा कि आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी, ठीक है, जो कि पास कहां से कर रही है, कहां से पास कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किन दो का, इन दो लीनियर इक्वेशंस का, ऐसे ही है। उसके बाद बेटे आगे वो कहता है एंड परपेंडिकुलर टू दिस, कौन वो जो लाइन आपने फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर किसके है, इसका हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। जैसे बेटे अभी आपने कहा था कि सर सबसे पहले तो जरा बता दीजिएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, मुझे बताइए कौन कौन सा बच्चा कैलकुलेटर लेके आया आज, मतलब सर सारे पैसे तो ईदी शॉपिंग लग गए ना, सिर्फ तीन बच्चे वही हैं जिन्होंने कल, जिनके पास कल था, आज फिर नहीं लेके आया आप लोग। बेटे एक बात जहन में रख, सुन लो एक बात जहन में रखे, जितना अच्छा आप कैलकुलेटर यूज करना सीख लेंगे ना उतना QM आपके लिए आसान हो जाएगा। देखें ये वो काम है जो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में मैनुअल करते रहे हैं, और आपको भी पता है कि ये एक डेढ़ सफ़ा पूरा लगता है सॉल्व करने में, ठीक है, लेकिन अब आपने बेटे ये सारा काम तकरीबन कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, तो आपके पास अगर कैलकुलेटर ही नहीं है तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे और सीखेंगे कैसे। तो बेटे कल तक आप सब बच्चों के पास कैलकुलेटर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। किसने कहा एक मिनट बोलो, नहीं इजाजत होती बेटे, हाँ अभी देखें, अभी रिसेंटली हमारे C9 के बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, इससे पहले जितने भी बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, और बल्कि उनको हम कहते ही हैं कि आपने लेटर लेना है, एक 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 कर, हाँ जी हाँ बेटे, PRC को भी आए हुए तकरीबन साल डेढ़ हो चला, ठीक है भाई, कैलकुलेटर भी अलाउ है, और आप लोगों को शीट्स भी दी जाती हैं थोड़ी सी जिस पे आप लोगों ने रेफर करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। हो सकता है उन्होंने अपने सब्जेक्ट के बारे में कहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है, हैं हाँ, तो हो सकता है उन्होंने अपने सब्जेक्ट का कहा हो, तो इसमें कोई परेशानी, लाइए कैलकुलेटर दें मुझे। सबसे पहले बेटे आप लोगों ने क्या करना है, अब कल बेटे आप सब बच्चों ने कैलकुलेटर लाजमी लेके आना, सबसे पहले बात आपने मोड का बटन प्रेस कर दिया, हाँ तो ठीक है, अगर आपने ऐप डाउनलोड किया तब भी कोई मसला नहीं है, क्या हो गया, हाँ जी सबसे पहले बेटे आप लोग क्या करोगे, मोड का बटन, उसके बाद नंबर 5 प्रेस कीजिए, इक्वेशन लिखी हुई है, फिर आप नंबर 1 प्रेस करेंगे जहां पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली है, ठीक है, आपने जब प्रेस कर दिया तो आपके पास बेटा जी ये उसने ऑलरेडी पहले वैल्यूज लिखी हुई हैं, और इसको पहले आप लोग रिफ्रेश कर लें, जैसे मैंने कल आपको कहा था शिफ्ट 9 हिस्ट्री डिलीट करनी है आपने, ठीक है, वो कह रहा है ऑल, मैं कहूँगा येस इज इक्वल टू, हाँ जी ठीक है AC येस ठीक है। अच्छा जी अब आए दोबारा मॉड, उसके बाद नंबर 5 इक्वेशन नंबर 1, फिर क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे, पहला कॉफिशियंट क्या है 5 इज इक्वल टू, नंबर 2 पे क्या आ रहा है 2, बोलते जाए ना शाबाश, फिर 44, उसके बाद क्या आ गया बेटा जी 3, आपने देखा कर्सल खुद ब खुद आगे जा रहा है, उसके बाद आ जाएगा -1, फिर क्या आ जाएगा 22, इसमें आपने प्रेस कर दिया, उसके बाद दोबारा इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो पहली वैल्यू आ गई आपके पास, क्या वैल्यू आ रही है एक्स की, एक मिनट बेटा जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8, और वाई की कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू आ गई 2। ये बेटे ये आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, कि कैलकुलेटर से कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, कैलकुलेटर पे पुट करने के लिए एक पॉइंट बेटे याद रखना है कि उसने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पुट की हुई है आपने उसके मुताबिक पुट करना है, ठीक है। अब आ जाएं
ये तो आपने पॉइंट निकाल लिया, क्या बेटे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए टू, क्योंकि आप जानते हैं ना कि ऑर्डर पेयर में बेटे पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है और नंबर टू पे वाई की वैल्यू लिखी जाती है। उसके बाद बेटे उसने एक और बात की है कि ये जो लाइन आपने फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर किसके है, परपेंडिकुलर जनाब किसके है, 9x प्लस वाई। बाकी बच्चे जरा खामोश रहेंगे, मैं जरा जिससे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं मुझे वही बच्चा सिर्फ बताएगा। हाँ जी, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जो कि उसने कहा कि जो लाइन हमने फाइंड करनी है ना ये उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर की जो डिस्कशन थी वो हम कल भी कर चुके हैं, आज भी हम लोगों ने की है। बेटे आप बताएंगे मुझे कि हमने, हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन मौजूद है, क्या हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं? भाई उसे उसे बताएं जी, शाबाश, कैसे निकालेंगे और कौन सी फॉर्म यूज करेंगे इसमें? आप लोगों ने बेटे एक इक्वेशन पढ़ी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब है कि अगर इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं और m के साथ कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं। आइए शाबाश जरा निकालते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आपको पता सिर्फ y रहना चाहिए, 9x उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस बोले तो सही ना, तो माइनस फाइव उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, शाबाश। आप जल्दी से बताओ फिर एम क्या हुआ, एम आ गया बेटे। लेकिन मेरी डिमांड ये नहीं है, मेरी डिमांड ये तो मैंने इसकी स्लोप निकाली, मुझे स्लोप क्या चाहिए, मुझे किसकी स्लोप चाहिए बेटे? जो लाइन हमने फाइंड करनी है वो इसके परपेंडिकुलर है, और दो लाइंस जब परपेंडिकुलर हो, आपको कल एक छोटी सी बात मैंने बताई थी, क्या बोला कि अगर आपके पास एक स्लोप मौजूद है और दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो माइनस माइनस बोले ना जरा शाबाश, क्या मैं लिख सकता हूं कि इसकी स्लोप जो है 1/9 आएगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल, किसने बोला है? बहुत अच्छे बेटे, तो इसकी स्लोप आ गई बेटे हमारे पास। अब आपके पास बेटे डाटा भी मौजूद है, स्लोप भी मौजूद है जनाब, आ गया पॉइंट भी आपके पास। हाँ जी, कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए डाटा को देखते हुए बताना है? बिल्कुल ठीक बताया भाई जी, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई वन, यही लगेगी ना? Yes, बेटे ठीक बताया उसने, आपको शायद सुनाई नहीं दिया, साफ करवाएं प्लीज, इतना अच्छा तो बताया उसने। क्या बोला है? कौन था वो, कौन था? अच्छा बेटे मुझे ना क्लास के ना एंड लेसन पे, बस भाई बस क्लास के ना आपने एंड पे याद करवाना, ये भाई खुद बोलेगा, ठीक हो गया? आप बेफिक्र रहें, आ जाइए शाबाश, वैल्यू पुट करते हैं। आप जानते हैं बेटा जी, ये आपके पास एक्स वन है, ये आपके पास वाई वन है, स्लोप आपके पास मौजूद है, मैंने चूंकि एम वन लिखा है तो मैं इसको भी एम वन कह देता हूँ, ठीक है? तो इधर बेटे हमारे पास आ जाएगा 1/9, हाँ जी क्या आ गया, एक्स माइनस एक्स वन की जगह पे 8 आ गया, प्लस वाई वन की जगह पे 2 आ गया, ऐसे ही बेटा जी डाटा सही पुट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद देखें क्या हम यूं लिख सकते हैं, एक्स माइनस 8/9 प्लस 2, एलसीएम ले सकते हो ना बेटे? मैंने एलसीएम निकालने के लिए एक बड़ा प्यारा सा मेथड आपको बताया था, बटरफ्लाई। कौन सा मेथड बताया था? बटरफ्लाई। लगाएं जरा शाबाश इस पे फिर, बटरफ्लाई क्या आएगा, एक्स माइनस 8 इसको इससे करो मल्टीप्लाई, शाबाश क्या आ जाएगा, 18, शाबाश। और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होके 9 इज इक्वल टू वाई, तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा 9y इज इक्वल टू एक्स माइनस के प्लस 10 जी। एक तो बेटे फॉर्म आपके पास ये बन गई, जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि आप लोगों ने जब कोई आंसर फाइंड करना है, ठीक है, तो एम सी क्यूज में आपने चारों ऑप्शन अच्छी तरह देखते हैं, हो सकता है वो इसी की कुछ यूं फॉर्म दे दे बेटे के माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9y, पॉसिबिलिटी है ना बेटे? ये भी तो मुमकिन है कि वो ऐसे लिख दे 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9y प्लस 10, पॉसिबिलिटी है ना बेटे?
तो इसलिए आपने मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी आपके आंसर की बन सकती हो ज़रा उनको भी आप लोगों ने साथ साथ लिखते जाना है। बताएं ये बात क्लियर हो गई, कॉपियां रेडी करें, अगला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी शाबाश। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, दो मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, साथ साथ आप सॉल्व करते जाएं और ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे भाई जी। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू, पासिस थ्रू passes through the point of intersection, intersection of, पहली बेटे उसने लीनियर इक्वेशन आपको दी है x प्लस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी बेटे आपको उसने लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड की है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। आगे बेटे उसने कहा कि एंड पैरेलल टू, एंड पैरेलल टू 4x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर टू जी बेटा जी, जल्दी शाबाश। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखती है आपको पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए कि वो लाइन वो इक्वेशन कहाँ से पास कर रही है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है। जब आपको दूसरा वो कह रहा है कि जो इक्वेशन बेटे आपने फाइंड करनी है, बस भाई तवज्जो ज़रा, जो इक्वेशन आपने फाइंड करनी है वो इसके क्या है पैरेलल, मतलब जो इसकी स्लोप होगी। जल्दी शाबाश, दो मिनट लगाएं, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लूं। हाँ जी भाई, हो गया फाइंड। हाँ ठीक है, पॉइंट बेटे आपके पास जो आएगा ना वो आएगा माइनस वन, ठीक है, और आप लोग जब स्लोप फाइंड करोगे तो वो आपके पास बेटे आएगी माइनस फाइव ओवर, फोर ओवर फाइव। हाँ जी, यही आ रही है अब मेरे ख्याल से, आगे पॉइंट माइनस फोर ओवर फाइव आ रही है। इस पे गौर करो बेटे, इस पे कि पैरेलल में जो दो लाइंस बेटे पैरेलल होती हैं उनकी स्लोप सेम होती है, इसलिए हमें रेसिप्रोकल सिर्फ परपेंडिकुलर वाले केस में लेना है, बाकी आपने रेसिप्रोकल नहीं लेना, ठीक हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक्स, बस भाई बेटे आवाज़ नहीं आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में समझ लें आपका इम्तिहान ही है भाई, क्योंकि जितनी चीज़ें आपने पढ़ ली है ना सारी, वो सारी इसमें यूज़ होनी है। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू, बस बेटे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑप्शन बेटे आपके पास मैं लिखने लगा हूं, ऑप्शन देखिए शाबाश, ए ज़ीरो होगा इसमें या बी ज़ीरो होगा। नंबर बी पे आ जाएं कि आपके पास ए ज़ीरो होगा, हो सकता है बी जो है वो नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और सी वाले में आपके पास हो सकता है ए जो है वो नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए और बी ज़ीरो हो जाए, और डी वाले केस में हो सकता है दोनों जो है वो आपके पास जो है वो नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाला जी। बस भाई सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रिप्रेजेंट्स टू लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
आप जरा गौर कीजिए, मैं एक छोटा सा ग्राफ आपके सामने बनाता हूँ। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया, और आप अच्छी तरह बेटे जानते हैं कि यह आपके पास एक्स है, यह आपके पास एक्स प्राइम है, यह आपके पास वाई है, यह आपके पास वाई प्राइम है। उसने कौन सी लाइन का बोला बेटे? अभी सब्र कर लें, सीन ही होगा। इधर देखें जरा, इधर देख लें भाई, मुसलमानों तुक्के लगाने से बाज ना आना तुम। इधर देखें, इधर देखें, शाबाश, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइन बेटे कुछ यूं होगी ना, तो ये जो पॉइंट है ये किसको डिनोट कर रहा है? वाई, किसको डिनोट कर रहा है? वाई इंटरसेप्ट को। किसको डिनोट कर रहा है बेटा जी? वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि बेटे एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जब बेटे आप एक्स की वैल्यू यहां पे जीरो रखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ए जीरो, ए जीरो हो गया, और बी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा बेटे आपके पास? ये समझ आ गई? इससे अगले वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, और वो सेम क्वेश्चन के साथ सिर्फ एक चीज चेंज करेगा, और वो चीज क्या है आइए जरा इस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, बस इधर देखे जरा, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू, तो फिर आप लोग मुझे बताइए, ऑप्शन यही है, बताएं कौन सा होगा? सी होगा। कौन एक्सप्लेन करेगा? आप करो भाई, क्या समझ आया? बस भाई, हमने यही क्वेश्चन उधर लिखने के बजाय इधर ही कह दिया कि ये चीज होगी लेकिन पैरेलल टू क्या होगा? वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब है बेटे ग्राफ कुछ यूं बनेगा। जी बिल्कुल, इसका मतलब ये होगा कि ये एक्स इंटरसेप्ट है ना, तो वाई क्या हुआ बेटे? जीरो। इसका मतलब है ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बना? चार्ली ऑप्शन बना। ये बात क्लियर होगी बेटे? यहां तक कुछ पूछना हो जी बोलो। जी आप कह रहे हैं कि यहां तक ही रखना है, किधर गया? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल, बस बुरा नहीं मानना। देखें, एक वक्त था कि मैं ना नाइन्थ टेंथ को पढ़ाता रहा, ठीक है। तो आप लोग ना नाइन्थ क्लास में जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा, पता नहीं चैप्टर कौन सा है, उसमें ना क्रामर रूल और इन्वर्जन मेथड था, था ना। तो मैंने क्या किया कि दो क्वेश्चन करवाए क्रामर रूल और इन्वर्जन के, उसके बाद मैं तीसरा करवा रहा था ना, जहाँ पे जाके आता है वो डिटर्मिनेंट आप लोग फाइंड करते हो और आप कहते हो जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, करते हैं ना आप लोग। तो उतना मैंने क्वेश्चन किया, अब क्लास ओवर हो गई, पीरियड खत्म हो गया, तो मैंने जल्दी में जो लिख दिया डू योर सेल्फ। अब जब वो टेस्ट हुआ ना एक मंथ के बाद तो मैंने वही क्वेश्चन जो है टेस्ट में दे दिया। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उतना ही सॉल्व किया, ठीक है, और यू मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया था ना, उसने ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाया और नीचे लिख दिया डू योर सेल्फ। तो मैंने फिर क्लास में जाके उसको पूछा, भाई ये क्या किया तूने? कहता सर आपने भी तो इतने करवाया था। तो मेरा पुत्र आपने इसको, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपने इसको बिल्कुल ऐसे आगे सॉल्व करना, और जैसे बेटे पहली बात तो ये है कला पाक ने उसको भी जुबान दी हुई है, ठीक है। तो बस, और आपके भी है, और आपको अल्लाह पाक ने माशाल्लाह शौर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटे अगर उसकी बात थी उसको करने दो। अच्छा पहली बात तो ये कि बार बार जरा डिस्टर्ब ना करें, मैंने आगे काम करवाना। जी बेटे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट, बस बेटा जी कॉस्ट बिहेवियर।
अच्छा बेटे इसके कोई तकरीबन सेवन को फार्मूलाज हैं, सेवन फार्मूलाज हैं, सेवन एट। तो पहले हम उन सारे फार्मूलाज को इंशाल्लाह साथ साथ लिखेंगे और साथ साथ उनको टोटल एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। जैसे ये फार्मूलाज इंशाल्लाह कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक हो गया। और ये आपके चैप्टर नंबर वन का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर वन का लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल। और इसके बाद इसका एक दो दिन लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि हमने इसके डिटेल क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद बेटे आपकी आई कैप की जो बुक है उसमें जो उन्होंने प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए हुए हैं इंशाल्लाह वो सारे करेंगे, तो आपके इस पूरे चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे बेटे आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों को जो भी टेक्निक पढ़ाई जाए, जो भी मैथड बताया जाए, आपने उसको सीखना है। आपने उसको सिर्फ ये नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व करने की हद तक नहीं बैठे रहना आपने, बात समझ में आ रही है। तो आप लोगों को अगर ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपने सीखी होंगी तो जब हम एमसीक्यूज कर रहे होंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ बेटे उनको डील कर लेंगे, ठीक है। आइए ज़रा, पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बेटा जी इज इक्वल टू होती है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटे इस तरह हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में, टीसी और वेरिएबल कॉस्ट को वीसी प्लस फिक्स कॉस्ट को एफसी लिखेंगे। आपने ये फॉर्म इसकी अच्छे तरीके से याद रखना है। अब टोटल कॉस्ट में बेटे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, टोटल कॉस्ट में कितनी चीज़ें लिखी हैं, दो चीज़ें। सबसे पहले मैंने लिखा है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट। बेटे हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट बिहेवियर की और उसमें सबसे पहला फार्मूला आप लोगों ने लिखा है टोटल कॉस्ट, जो कि बेटे किसके इक्वल होती है, बोले शाबाश, वेरिएबल कॉस्ट प्लस। मुझे आप लोग ये बताइए कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और फिक्स कॉस्ट क्या होती है। अगर हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लें उसके बाद मैं आपकी राय भी ज़रूर लूँगा बेटे। फिक्स कॉस्ट वो होती है, सपोज कर लें आपने कोई फर्म कोई कंपनी शुरू की, ठीक है, तो उस जो भी जहाँ पे भी आप शुरू करने जा रहे हैं डेफिनेटली बेटे आपको कोई ना कोई बिल्डिंग तो लेनी पड़ेगी ना। उस बिल्डिंग का जो आप लोग रेंट पे करेंगे, उस बिल्डिंग का जो आप लोग रेंट पे करेंगे, वहाँ पे जो आप लोग स्टाफ रखेंगे, उनकी जो सैलरीज आप लोगों ने देनी होगी, उसके बाद उस बिल्डिंग की जो आप लोग इंश्योरेंस वगैरह करवाएंगे और उस इंश्योरेंस के जो आपने प्रीमियम भरने होंगे, ये सारे क्या होंगे, फिक्स होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आज अगर बिल्डिंग का जो रेंट है वो 1 लाख रुपये है तो अगले महीने बढ़ जाएगा, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए फिक्स ही रहती है। जैसे रेंट जो है वो 1 साल के बाद चेंज होता है जाके, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो चेंज नहीं होती, ठीक है। अभी इस पे और थोड़ी सी बात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, चेंज हो कैसे, मतलब ये है आपने एक नई कंपनी बनाई है, ठीक है, और आपने जनाब जो भी यूनिट आप बना रहे हैं, लाइक आप शर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, आपको पहला ऑर्डर जो है वो 20 शर्टों का मिलता है, क्या मिलता है, 20 शर्टों का ऑर्डर मिला, और आप लोग उसी के लिए मटेरियल लेके आएंगे ना, 20 शर्टों के लिए आप मटेरियल लेके आए। इसके बाद आपने वो शर्ट्स बहुत अच्छी बनाई और आपको 500 शर्ट का ऑर्डर मिला, ठीक है। तो आप ये देखें वेरिएबल कॉस्ट जो ऑर्डर के साथ साथ या प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती जाए, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ गई वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं होती। मतलब क्या है, आपने 500 शर्टें बनाई या 5000 भी बड़ा जो है वो शर्टें बनाए, ठीक है, तो क्या आपको जो रेंट है वो चेंज होगा, वो तो फिक्स रहेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट बेटे आपके पास वो होती है जो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से चेंज हो, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं होती। बेटे इसके साथ मैं एक इक्वेशन को कोरिलेट करने लगा हूं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ये पढ़ी हुई है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद रखिएगा बेटे C जो होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट को डिनोट करेगा, C किसको डिनोट करेगा, फिक्स्ड कॉस्ट को, और Y किसको डिनोट करेगा, टोटल कॉस्ट को। Y किसको डिनोट करेगा, टोटल कॉस्ट को, और C किसको डिनोट करेगा, फिक्स्ड कॉस्ट को। अब आ जाएं ये एम एक्स जो है ये किसको बेटे डिनोट करेगा, आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है किसको डिनोट कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट, दोबारा बोली शाबाश। वाई किसको डिनोट करेगा, नंबर टू पे आ जाएं, सी किसको डिनोट करेगा, नंबर थ्री पे आपने किसकी बात की, आप जरा आ जाएं
यहाँ पे बेटे आपके पास m जो होगा ये किसको डिनोट करेगा, और जो बेटे x होगा ये किसको डिनोट करेगा। आप ये देखें, नहीं, m बेटे डिनोट करेगा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट, और x आपका बेटे यूज होगा नंबर ऑफ यूनिट्स। ये ऐसे ही है ना बेटे, वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगी कि आपने फॉर एग्जांपल 10 यूनिट बेचे, आप 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, उस यूनिट की जो सिंगल प्राइस होगी। फॉर एग्जांपल एक शर्ट जो है वो आप 2000 की बेच रहे हो, एक शर्ट जो है वो 2000, तो 10 शर्ट कितने की बेचोगे, 20,000। तो ये टोटल आपके पास वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, और सबसे ज्यादा बच्चे जिन चीजों में बेटे कंफ्यूज रहते हैं वो ये हैं, बड़ी जगहों पे जाके बच्चे m को x की जगह पे और x को m की जगह पे। तो आपने वाजे तौर पे बेटे एक बात याद रखनी है कि m आपके पास क्या होता है, बावाजे बुलंद, m क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर, और आपके पास बेटे x क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स। आइए बेटे इसके सेकंड फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, जिसको आप कहते हो रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बस बेटा जी, अच्छा रेवेन्यू को एक और वर्ड भी हम इधर साथ ही लिख लेते हैं, सेल। वो इसकी टाइप्स में आ जाता, हमने वो डिस्कस नहीं करना, ठीक है जी। रेवेन्यू कोई बच्चा बताएगा क्या होता है रेवेन्यू, आम 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 अल्फाज में, सादे से अल्फाज में हमने एक आम बंदे को समझाना है कि भाई रेवेन्यू क्या चीज है। प्रॉफिट, वो तो प्रॉफिट हो गया ना, बेटे वो तो प्रॉफिट हो गया ना, हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। ये ठीक बता रहा है, और आप बोलो वो तो मेरा पुत्र प्रॉफिट हो गया ना, हम बात, हाँ जी, जितनी आपने डेली की, देखे आम आम अल्फाज में बात कर लेते हैं, आपने एक 500 रुपए की चेयर खरीदी, 500 रुपए की क्या खरीदी, चेयर, आपकी कॉस्ट कितनी आई, 500 रुपया, आपने 800 की बेच दी, टोटल टोटल आपके पास कितने कलेक्ट हुए, 800, तो ये आपका रेवेन्यू होगा। अब इसमें आप प्रॉफिट अगर निकालना चाहते हैं तो 300 निकल आएगा, कॉस्ट अपनी माइनस कर दो बीच में से, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो और इसको आम, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप इसको वन डे पे रखें, ये वीकली भी हो सकती है, ये मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट बेटे, हम लोगों ने जो डिस्कस करना है, आज लग रहा है सिर्फ फॉर्मूला ही कंप्लीट होने जी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, शाबाश, ये आपको बड़ी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वैसे ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बिजनेस शुरू किया, बस बेटा जी जरा गौर से सुनिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, हमने एक बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस जो है अपने भी खर्चे सारे निकालना शुरू हो गया, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी निकालना शुरू हो गया, बिजली के बिल जितने भी जो बिल होते हैं उसमें, नेट का बिल हो सकता है, गैस का, पानी का, ठीक है, उसके बाद सैलरीज निकालना शुरू हो गया। तो जब हमें बिजनेस कुछ ना दे, सिर्फ अपने खर्चे पूरे करता जाए, जिसमें हम सिंपल और आसान से अल्फाज में बेटे ये कह सकते हैं कि देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि अगर आपको बेटे कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होगा कि आप ब्रेक इवन पे खड़े हैं, प्रॉफिट इसमें जीरो होता है और दूसरा बेटे लॉस भी इसमें क्या होता है, जीरो होता है। इस पॉइंट को आप क्या कहते हो, ब्रेक इवन पॉइंट, क्या कहते हैं इसको। अच्छा इसको एक और तरह भी मैं लिख सकता हूं, हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो रेवेन्यू होता है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, कह सकते हैं,
क्या बेटे मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि इसमें हमारी जो सेल होती है वो हमारी कॉस्ट के बराबर आ रही होती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को आप डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं, एक और तरीका भी लिखते हैं। आपने बताना क्या ये ठीक है, और इसमें मैं आपका आपके कमेंट्स जरूर चाहूंगा। सेल, उसमें से बेटे अगर हम माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, बेटे ये किसके बराबर आना चाहिए वैसे? जीरो के। क्या मतलब? मतलब आपने जितनी सेल की बीच में से आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी निकल गई और आपकी फिक्स कॉस्ट भी निकल गई, तो बाकी क्या बचेगा? जीरो। और जीरो कौन सा पॉइंट होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे आपको बेटे कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हो रहा। उसके बाद आ जाए नंबर फोर पे। नंबर फोर पे बेटे हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या है? ब्रेक इवन, यूनिट, ब्रेक इवन यूनिट। इसका फॉर्मूला देखिए बेटे, ब्रेक इवन यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये इज इक्वल टू होता है फिक्स्ड कॉस्ट ओवर सीपीयू। हाँ जी, सीपीयू आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है भला? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है? लेकिन यहां पे ये नहीं है। क्या होगा? कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट। अभी बताते हैं बेटे, पहले इसको फाइंड करने का जरा फॉर्मूला देख लो। सीपीयू ये इज इक्वल टू होता है सेल प्राइस। अच्छा, सेल को मैं एसपी लिख रहा हूं। सेल प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट प्राइस कह लें पर यूनिट। सीपीयू बेटे आप लोग कैसे फाइंड करते हैं? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कह लें या वेरिएबल कॉस्ट कह लें, एक ही बात है। वेरिएबल कॉस्ट कह लो, ये लो। हाँ जी, सीपीयू कैसे फाइंड करते हैं बेटे आप लोग? बोले सेल प्राइस में से आप वेरिएबल कॉस्ट अगर निकाल दें तो उसको बेटे क्या कहते हैं आप लोग? सीपीयू। अब जरा सादे से अल्फाज में समझो कि ये सीपीयू क्या चीज है, कि बच्चा बताना चाहे। देखें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सीपीयू बेटे आपके पास क्या होता है कि एक यूनिट जो है, एक सिंगल यूनिट जो है, उसने आपके प्रॉफिट के अंदर कितना किरदार अदा किया। दोबारा सुने, सीपीयू फाइंड कैसे करते हैं? सेल प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेटे आप लोग माइनस कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास सीपीयू निकल आएगा। लेकिन आप इसको समझे जरा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सीपीयू का कॉन्सेप्ट अभी मैंने क्या बताया आपको कि एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट जो है वो हमारे प्रॉफिट में कितना उसकी हिस्सेदारी है, कितनी उसकी शराकत है, कितना वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये आपके पास सीपीयू होता है। क्या समझ आई आपको सीपीयू से? यानी कि एक सिंगल यूनिट जो है वो बेटे हमारे प्रॉफिट में कितना, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है। नंबर फाइव पे आ जाएं, अगर आपको बेटे ये समझ आ गया ना तो ये आपको बताना चाहिए मुझे। ये मैं आपके लिए लिखने लगा, ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन रेवेन्यू। जी, ब्रेक इवन रेवेन्यू है, इसका फॉर्मूला देखें। ये आपके पास होता है फिक्स्ड कॉस्ट ओवर सी एस रेशो। जी, कौन बोल रहा?
कंट्रीब्यूशन यूनिट की बात कर, इसकी बात कर, ये हाँ भाई ये माइनस होगी, ये माइनस, थैंक यू, माइनस आएगा। हाँ जी, अब आ जाए ब्रेक इवन रेवेन्यू। इसका बेटे आपके पास क्या होता है, फिक्स कॉस्ट ओवर सीएस रेशियो। आइए जरा पहले सीएस रेशियो की बात करते हैं, फिर इसके ऊपर मजीद डिस्कशन होगी जी। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो जी बेटे, इसी को सीएस रेशियो कहते हैं जी। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है बेटे आपके पास, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल जी। आप में से कोई बच्चा बताएगा कि ये सीएस रेशियो का क्या मतलब है, उसके बाद हमने दोनों का कंपैरिजन करना है, और फिर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल भी देता हूं भी जी। सीएस रेशियो देखें, आपने अभी सीपीयू के बारे में क्या बताया कि एक यूनिट जो है वो हमारे प्रॉफिट में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक हो गया। अब जरा सीएस रेशियो के बारे में आ जाए, सपोज कर लें कि आपने दो यूनिट बेचे 50 रुपए के, दो यूनिट 50 रुपए के बेचे, ठीक है। हम उस पर कहते हैं कि प्रॉफिट आया हमें 20 रुपए का, ठीक है। हम तीसरा यूनिट बेचते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट आ गया 5 रुपए का, ठीक है। अगर यूनिट के हिसाब से आपके प्रॉफिट में बेटे फर्क पड़ रहा है तो वो सीपीयू, और अगर रेवेन्यू के हिसाब से आपके प्रॉफिट में फर्क पड़ रहा है तो वो क्या होगा, सीएस रेशियो। सिंपल और आसान से अल्फाज में ये समझ लें कि अगर आपके प्रॉफिट में यूनिट के हिसाब से जो फर्क पड़ेगा, यूनिट की वजह से जो फर्क पड़ेगा वो सीपीयू होगा, और जो बेटे रेवेन्यू के हिसाब से फर्क पड़ेगा उसको बेटे आप लोग क्या बोलोगे, क्या बोलोगे उसको, सीएस रेशियो। बेटे इन दोनों के लिए मैं एक एक पॉइंट लिखवाने लगा, जरा नोट कीजिए, शाबाश। लिखे शाबाश, सीपीयू इज ए प्रॉफिट, ये दोनों के लिए बेटे की पॉइंट्स हैं। सीपीयू इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ वन यूनिट, यही बात हुई थी बेटे अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद सीएस रेशियो की तरफ आ जाएं, सीएस रेशियो इज अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन earned for every rupees one sale। दोनों में बेटे फर्क सुन ले एक दफा दोबारा, कि बेटे अगर आप एक यूनिट बेचते हैं, ठीक है, उसने आपके प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट किया है, ये आपके पास क्या होगा, बोले ना शाबाश, क्या होगा, सीपीयू होगा। और दूसरा सीएस रेशियो क्या है, कि अमाउंट की फॉर्म में आपके इसमें प्रॉफिट में क्या इफेक्ट हुआ है, ये आपके पास क्या होता है, सीएस रेशियो, ठीक है। इसके बाद बेटे हमारे पास दो फार्मूलाज रह गए, अगर क्या करे, नहीं दोनों लेके तो बेटे ब्रेक इवन पे आएंगे ना, दोनों जो हैं एक यूनिट के हिसाब से। जैसे इसको हम समझे जरा, फॉर एग्जांपल बेटा जी बात समझिए जरा, एक
मैंगो बेचने वाला, ठीक है, वो एक पेटी जो है वो मार्केट से 1000 रुपये की लेके आता है, ज़रा गौर से सुनिएगा, अभी आपको ये पॉइंट समझ आ जाता है। एक पेटी वो कितने की लेके आ रहा है? 1000 रुपये की, ठीक है, और वो 5 पेटियाँ लेके आया, कितने की लेके आया होगा? अब वो एक पेटी जो है वो 2000 की बेच रहा है, एक पेटी क्या कर रहा है? 2000 की बेच रहा है, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आप इसी में ब्रेक इवन यूनिट और ब्रेक इवन रेवेन्यू दोनों सीखने लगे। एक पेटी बेटे उसने कितनी की लेके आया? 1000 रुपये की लेके आया ना, और बेच कितने की रहा है? अब अगर मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करूं कि ब्रेक इवन यूनिट पे वो कब पहुंचेगा, बेटे वो कितनी पेटियां बेच दे, कितनी पेटियां बेच दे कि वो ब्रेक इवन यूनिट पे पहुंच जाए? 2.5 पेटी। देखो टोटल वो कितने की खरीद के लाया? 5000 की। एक पेटी कितने की बेच रहा है? 2000 की। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पेटियां 4000 की और एक आधी बेचेगा तो 5000, वो अपने ब्रेक इवन पहुंच गया, ब्रेक इवन पे पहुंच गया, लेकिन हमने उसको ब्रेक इवन पे पहुंचाया यूनिट के हिसाब से कि वो कितनी पेटियां बेचे। बात समझ में आ गई? आप दूसरी तरफ आओ, मैं अगर उससे पूछूं कि भाई आप कितना कमा लोगे, कितना कमा लोगे कि आप अपने पैसे निकाल लो 5000, ठीक है। तो अब आप ये देखें, एक साइड पे आपने यूनिट के हिसाब से बात की और दूसरी साइड पे आपने रेवेन्यू के हिसाब से की। दोनों साइडों पे पहुंचे आप कहां पे हो? ब्रेक इवन पे। दोनों साइडों पे कहां से पहुंचे हो? तो बेटे आपके क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि दोनों सूरतों में पहुंचना हमने कहां पे है? ब्रेक इवन पॉइंट पे, ठीक है बेटे। बाकी इंशाल्लाह कल हम लोग शुरू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।